मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गाइस माय नेम इज प्रियंका चमोलिया एंड दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। सो टुडे वी आर गोइंग टू अ स्मॉल ट्रेड दैट इज टिहरी गढ़वाल। सो आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ टिहरी गढ़वाल। तो हम शुरू कर रहे हैं देहरादून से। सबसे पहले हम जाएंगे ऋषिकेश और आज हम करने वाले हैं ऋषिकेश में स्ट्रीट 45 किलोमीटर्स हैं। तो अभी हमारी जर्नी होने वाली है शुरू और हम आपको घुमाने वाले हैं ऋषिकेश। तो आज मेरे साथ हैं मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर, मेरे हस्बैंड। सो हाय। हाय। तो कहाँ जा रहे हैं आप? हम ऋषिकेश जा रहे हैं। तो आपने मेरा नाम बताया? माय नेम इज योगेश और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश हमने प्लान करा है चंबा होते हुए, वहाँ से फिर हम मसूरी जाएंगे। वो हम बाद में बताएंगे, आगे करेंगे हम कैसे कैसे वहाँ पर हम जर्नी अपनी पूरी दिखाएंगे अभी आपको। अभी हम ऋषिकेश जा रहे हैं और ऋषिकेश में बताएंगे हमने कहाँ पे स्टे कराया और कहाँ पे हम घूम रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। सो गाइज हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी धूप हो रही है और इस टाइम अब हम जाने वाले हैं यहाँ से अपने होटल और वहाँ पे करने वाले हम स्टे, उसके बाद हम घुमाएंगे आपको कुमार। सो गाइज अभी हम पहुँचे हैं योगेश्वरी होटल और आज हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे रूम है। सो गाइस योगेश्वरी में एंटर हो गए और 102 रूम नंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये हमारा रूम। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। सो ये रूम हमें पड़ा है मेक माय ट्रिप से 1900 का। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं नीम बीच की तरफ जो कि बहुत ही पास है हमारे होटल से, 5 मिनट का रास्ता है। सो हम आपको घुमाने वाले हैं आज नीम बीच। आई होप आपको ये प्लेस बहुत ही पसंद। सो गाइस ये है नीम बीच जाने का रास्ता जो कि होटल अलोहा से ये एक आप देख सकते हैं रूट आता है जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल व्यू है। अभी हम इस व्यू को आपको पास जाके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं राफ्टिंग का। और यहाँ से राफ्टिंग की भी, जो राफ्टिंग के लिए लोग जाते हैं उनका रूट भी है। सो पहुँच चुके हैं हम नीम बीच। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत व्यू है और ये आप रेत देख सकते हैं यहाँ पे, इसके सामने तो गोवा के बीच भी फैला है, ये खूबसूरत पहाड़ और इसके बीच में बहती गंगा, गंगा की एक खूबसूरत सी झलक आप देख सकते हो। ये बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। आई डोंट नो कैमरे में कैसा शो हो रहा है बट आप अगर इसे लाइव देखें तो मतलब इससे खूबसूरत नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम नीम बीच। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, मतलब कि देखिए आप कितने खूबसूरत पहाड़ यहाँ से नज़र आ रहे हैं और उसमें बहती बीच में गंगा। तो यहाँ पे आप राफ्टिंग का भी व्यू ले सकते हैं। सो कैसा लग रहा है आपको ब्यूटीफुल प्लेस? आई थिंक आप भी यहाँ पे पहली बार आए हैं। पहली बार नहीं आया, दूसरी तीसरी बार आया, तीसरी बार आया। तो ये खूबसूरत जगह के बारे में आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? सो गाइस ये था नीम बीच जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो आपको कैसा लगा बट अगर आप यहाँ पे लाइव इस लोकेशन को और इस ब्यूटी को देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये ऋषिकेश में है, ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे जाके तपोवन पड़ता है जो कि बद्रीनाथ हाईवे की रोड पर है। तो इसी से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है नीम बीच। बहुत ही ईजिली आपको इसकी लोकेशन भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत लोकेशन है, मतलब अल्टीमेट जिसे कहा जाता है, मतलब एक खूबसूरत से पहाड़ यहाँ पे आपको मिलेंगे, खूबसूरत सी गंगा नदी जिसमें राफ्टिंग हो रही है। बिखरा पड़ा है प्यार का लम्हा जो मिल गया है इन वादियों में, बिखरा पड़ा है प्यार का लम्हा जो मिल गया है, छू के नदी की लहरों को मैं।
ठंडी हवा से बातें करके मन को मना लिया। शुक्रिया सो गाइस, अभी हम चाय का लुफ्त उठा रहे हैं यहाँ पे, और मैगी यहाँ पे स्टॉल लगते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी नज़र आ रही है। आई होप ये खाने में भी इतनी टेस्टी हो। सो इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ सनसेट यहाँ पे हो गया है, और इसके साथ हम मज़े ले रहे हैं चाय के, गर्मा गर्म चाय पीने का और मैगी का मज़ा ही लगे। सो इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? इसके बाद हम जाएंगे राम झूला या लक्ष्मण झूले की तरफ। थोड़ा जो नाइट मार्केट है वहाँ का मज़ा ही अलग है। मैं कई बार गया हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, और वहाँ की जो मार्केट है बहुत ही अच्छी मार्केट है, और बाकी आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं वहाँ पे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। सो बाकी वहाँ जाके बताता हूँ मैं आपको। सो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ पे हम दोबारा बहुत जल्द आएंगे और बहुत ही टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल प्लेस से मुझे बहुत प्यार हो गया। सो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ पे हम दोबारा बहुत जल्द आएंगे और बहुत ही टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल प्लेस से मुझे बहुत प्यार हो गया। मुझे इतनी शांति वाले प्लेस इतने पसंद है ना। आई एम फील लव इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ की चाय और मैगी और दिस ब्यूटीफुल मौसम, अल्टीमेट फीलिंग।